दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वनकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी की। दोस्तों आपने गांधी बापू की थ्री मंकी वाली बात तो सुनी होगी, बुरा ना देखो बुरा ना सुनो बुरा ना बोलो। लेकिन हम तो बात बात पे नेगेटिव सोचते हैं। बच्चा घर पे टाइम से नहीं आया तब एग्जाम देने जाओ, तब नौकरी के लिए निकलो, तब ड्राइविंग करते समय खाते समय, कब हम नेगेटिव नहीं सोचते। तो क्या ये सोच हमारे जीवन व्यवहार पे हमारे हेल्थ पे असर नहीं करती? जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट रिसर्च से पता चलता है कि हमारी 90% बीमारियां हमारी नेगेटिव सोच की वजह से ही है। तो इस नेगेटिव से बाहर कैसे निकले, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। मेरा एक दोस्त है जिसकी काफी आदत बुरी सी है, हमेशा भगवान को भी उल्टा सुल्टा बोलते रहता है। उसको जब भी देखो बोलता हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए गलत है, उसके बावजूद भी वो अपने को भी गाली देता है। भगवान किसी को कोई भी भगवान के बारे में बताओ अच्छा ही बताओ तो भी गाली गलौज करते रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो सत्संग में आने के लिए राजी है, कहता है कि अगर सत्संग में आऊंगा, अगर मैं सुधर जाऊंगा, अगर मेरी सारी गंदी आदतें छूट गई तो जो मैं बोलूंगा तेरे को वो करना पड़ेगा। नहीं वो कंडीशन वाला नहीं चाहिए, आपको आना है तो आओ, शांति चाहिए तो इधर आओ। वो तो क्या है कुछ भी ठिकाना नहीं है उसका, इतना भगवान को गाली देता है इसका ठिकाना क्या। इसके लिए देखो हमें मोक्ष जाना है तो ऐसे सत्संग ऐसे फ्रेंड होने चाहिए कि हमें अवरोध न करे, हमें नेगेटिव में नहीं डाले। और नेगेटिव में डालते हैं तो ऐसे फ्रेंड बदली कर डालो। दूसरा है वहां का हम शादी किया उसके साथ, फ्रेंड हमको निभाना ही पड़ता है, वाइफ को छोड़ नहीं सकते मगर फ्रेंड को छोड़ने में क्या हरकत है। समझ में आया होगा? हाँ बदली कर डालने का फ्रेंड, और नहीं कोई फ्रेंड है दादा भगवान को फ्रेंड बना दो। सत्संग वाले कितने मिलेंगे, गुड़गांव में तो बहुत लोग हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, आज हम बात कर रहे हैं नकारात्मक सोच की। दोस्तों ये नेगेटिविटी अक्सर हम सब में कहीं ना कहीं तो छिपी होती है और हमें हर दम सताती रहती है ना। क्या यही हमारी परमानेंट सोच हो गई है? प्रश्नों के उत्तर जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। मैं बी सेकेंड ईयर को पढ़ रही हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरे चार सब्जेक्ट बैक थे, मुझे सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आया था। मुझमें नेगेटिविटी नेगेटिव थिंकिंग बहुत है, फिर भी सिचुएशन में नेगेटिव विचार आते हैं, किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव विचार आते हैं। मैं अच्छा सोचने का बहुत प्रयास करती हूँ लेकिन मेरे क्रोधित स्वभाव के वजह से अच्छा नहीं हो पाता। अपना स्वभाव चेंज करना और इम्प्रूव करने के लिए क्या मार्ग करें बताइए। ये ज्ञान ले लो कल इधर। हाँ और जब भी नेगेटिव विचार आए तो दादा भगवान को शक्ति मांगो, दादा भगवान ये नेगेटिव विचार में मेरी कोई सही नहीं है, मुझे पॉजिटिव में रहने की शक्ति दो। और देखो कितने साल हम पढ़ाई तो करते ही हैं, हर साल टेंशन तो आता ही है। वापस दूसरे ईयर में वापस परीक्षा के टाइम टेंशन आता है, फिर भी हम पास भी होते हैं आगे भी बढ़ते हैं। टेंशन के बदले अभी शक्ति मांगो और जितना भी मार्क्स आए कम ज्यादा कोई हरकत नहीं, हम पास तो हो जाते हैं, आगे बढ़ो। समझ में आया? एक्चुअली दीपक भाई वो क्या है ना, मेरा 12th तक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था लेकिन जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मेरा रिजल्ट यानी कि मेरा स्वभाव ही इतना क्रोध आता है मुझे कि हर किसी के बारे में मैं हमेशा निगेटिव थिंकिंग रहती है मेरी हमेशा। और मेरे पप्पा को मेरे से बहुत होप है कि अच्छी पढ़ाई करे अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन मेरा इस साल ऐसा हो गया था इसलिए मेरे पप्पा भी मेरे से बहुत नाराज थे। नहीं मैं अभी दूसरा रास्ता करो, ये आप कुदरती यहाँ सत्संग में भी आए हो और हमारा तो 20% बोलो, ये सिमंदर सिटी में कितने लड़के लड़कियाँ हैं छोटी उम्र के, कॉलेज वाले भी है, सभी का रिजल्ट कम से कम 15-20% बढ़ गया है। ऐसे दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलते हैं और कॉन्सेंट्रेशन के लिए शक्ति मांगते हैं और दादा भगवान मुझे शक्ति दो मैं अच्छी तरह लिखूँ और परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आता है तो आपका भी आएगा। आप भी होप रखो, आप पापा जी आपके ऊपर होप रखते हैं, आप दादाजी से होप रखो, दादाजी मुझे आशीर्वाद दो मुझे अच्छा हो जाएगा।
हाँ होएगा। और क्रोध के प्रतिक्रमण करो, क्रोध भी क्या है कि हमारी मनमानी नहीं होती इसके लिए क्रोध हो जाता है, तो प्रतिक्रमण से क्रोध भी कम होते जाएगा, आपकी स्थिरता बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। क्या लेकिन पापा है ना मेरे बहुत मेरे से बहुत नाराज रहते हैं, उनके बारे में मुझे निगेटिव थिंकिंग आती है, बहुत बार आती है। नहीं मगर धीरे धीरे पापा को भी सत्संग में लेके, पापा इस बार जरूर आना है आपको, खुश हो जाएंगे आपके ऊपर इतना पापा का, पापा को अटैचमेंट है आपके प्रति, बहुत ज्यादा लगाव होने से बाद में एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, तो आपकी बात मानेंगे पापा, कभी सत्संग में लेके आओ उनको। हम लोग अमरावती आने वाले हैं, कुछ प्रोग्राम मुझे लगता है किया है इन लोग ने, तो उस दिन पापा को लेके आने का, दर्शन भी कराने के, ज्ञान भी दिलवाने का, बाद में सब घर में साथ में ज्ञान में रहेंगे तो कितना घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, आज हम बातें कर रहे हैं नेगेटिव सोच की। दोस्तों हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी जैसे गुल सी गई है, क्या हम हर एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं? क्या ऑल द टाइम पॉजिटिव रहना संभव है? कैसे हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही देखें? दोस्तों ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या एक ही कॉइन के दो साइड्स है, या पॉजिटिव के ऊपर भी कुछ है? गहरी सोच में पड़ गए ना, लेट्स डीप डाइव एंड फाइंड द पर्ल्स फ्रॉम आवर नानी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाए। अच्छा हाँ, तो यही उपाय है, जब भी नेगेटिव आ गया तो 10 मिनट सब एक काम करने का, कितने किसके लिए क्या नेगेटिव आता है सब कागज के ऊपर लिखो, एक एक नेगेटिव के सामने दो दो पॉजिटिव लिखो, बाद में शक्ति मांगो, ये दादा भगवान ऐसा नेगेटिव मैं कभी नहीं करूंगी, इसे मुझे शक्ति दो, सभी के पॉजिटिव देखना है ऐसे मुझे शक्ति दो। जितनी भी बार नेगेटिव आया तो कागज के लिखवाने का, और बाद में दो दो पॉजिटिव लिखने का, और दादाजी से 10-15 मिनट बैठ के माफी मांग लेनी और ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। ऐसे करते जाओ, 10-15 दिन करते जाओगे, धीरे धीरे नेगेटिव का फोर्स खत्म हो जाएगा। ये भीतर ही रहता है, निकलता ही नहीं है, तुम कागज के ऊपर लिख दिया तो नेगेटिव वॉमिट हो गई तो खत्म हो जाएगा, बाद में फाड़ के फेंक देने का। जय सच्चा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है हमारे जिंदगी के हर एक सवाल को। क्वेश्चन में और पूछना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत होने से पहले हमें पहले फील हो जाता है, इंट्यूशन हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? हो जाता है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, पर सब नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। मोस्टली मेरे साथ तो 99% जो मैं गलत सोचती हूँ वो सच हो ही जाता है। नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी। ऐसे क्यों? ये लगता है, और अपनी बिलीफ बाद में दृढ़ हो जाती है कि देखो मैंने सोचा अभी होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, हो ही जाता है। मेरे साथ ग्लास फूटने वाला है, फूटने वाला है, फूटने वाला है, 50 बार आ जाएगा और फूट भी जाएगा। हाँ मैंने सोचा इसके लिए हो गया, तो आप सोचो मुझे केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाता है। देखो पॉजिटिव सोचो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1-877-505-DADA extension 23, हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। नीलुमा, मेरे मन के अंदर नेगेटिव मतलब शंका, बहुत शंका और डर ज्यादा है, मतलब नेगेटिव वृत्ति ज्यादा है कि कोई भी चीज हो जैसे मैं सही चीज हो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन उतनी जल्दी उसपे शंका भी आ जाती है, कुशंका ज्यादा आ जाती है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये शंका कुशंका बुद्धि बताती है, और ये शंका कुशंका से कुछ फायदा होता है? नहीं फायदा नहीं होता, इसलिए मुझे इससे दूर रहना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? मतलब ये शंका बताती है, बुद्धि बताती है, और बुद्धि की बात मत सुनो। क्या होने वाला है वो बुद्धि के बताए मुताबिक थोड़ी होने वाला है, जो होना है सो होने वाला है। तो आप अपनी ओर से पॉजिटिव रहो, नेगेटिव को गेट आउट कर दो। नेगेटिव विचार आए किसी के बारे में कुछ भी, तो उसको उखाड़ के फेंक दो, मेरे को इस नेगेटिव विचार की जरूरत नहीं है, मैं तो पॉजिटिव रहना चाहता हूँ। फिर परिणाम जो भी कोई आए मुझे स्वीकार है, मेरे लिए अच्छा हो या बुरा हो तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ, परिणाम जो भी आए, लेकिन मेरी ओर से तो मैं पॉजिटिव ही रहूंगा। तो जो पॉजिटिव रहता है वो हमेशा जीतता है, औरों को भी सुख देता है, और खुद भी सुखी रहता है। और नेगेटिव वाला हमेशा खुद दुखी होता है, औरों को भी दुखी करता है। कितनी छोटी छोटी बातों में जरा सी शंका आ जाती है और कितना दुख हो जाता है। हर माँ को यह पहले विचार आता है, बेटा जरा सा लेट हो गया तो उसको पहली शंका आ जाती है, क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा। अरे सारी दुनिया में अब तेरा ही बेटा एक्सीडेंट के लिए तैयार है, और कोई है ही नहीं।
सबसे पहला यही विचार आता है, यह निगेटिव विचार है, इसको उखाड़ के फेंक दो, पॉजिटिव रहो। क्यों होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। और जब हो इसकी आयुष्य कर्म है, वो आयुष्य कर्म के मुताबिक थी तो वृत्ति और जीवन है, तो मैं क्यों अपने हाथ में ये सब मृत्यु का समय जो है उसको अपने हाथ में ले लूं और अपनी ओर से विचारों की अभी हो गया, कभी होगा ना, ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे क्या अधिकार है। तो अपना लेकर ही आया है, जो भी है अपना कर्म लेकर ही आया है, तो उसके बारे में मुझे भला बुरा सोचने की क्या जरूरत है। ठीक है, भला सोचो तो भी कोई हरकत नहीं है, चले भी आएगा, लेकिन बुरा सोचोगे तो आप ही अपनी ओर से अपने बच्चे के लिए नेगेटिव स्पंदन डालते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बातें कर रहे हैं नेगेटिव सोच की, कि ये जो मन में अपने आप बैठे बैठे चित्त इधर उधर भटकता है, या मन में उल्टे सीधे नेगेटिव ख्याल आते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। क्या नाम है आपका? विजय कुमार जैन, भोपाल। आपका ही प्रश्न है? नहीं, विजय जयपुर आपका है क्या? नहीं, भोपाल वाले जैन, भोपाल का। ठीक है, और ये मन में विचार आते हैं तो उसको जुदा रखो कि विजय कुमार को आते हैं, मुझे नहीं, मैं उसका देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूँ। और विचार में किसी को दुख हो जाए ऐसे विचार हो गए तो प्रतिगमन कराने का। और दूसरा उपाय है, ऊंचे आवाज से दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलो, तो मन को कुछ खुराक दे दो। या तो चरण विधि पढ़ो ऊंचे आवाज से, नव कलम ऊंचे आवाज से करो, त्रिमंत्र ऊंचे आवाज से बोलो, तो मन को कुछ खुराक दे दिया तो अपने आप वो दूसरे लाइन पे चढ़ जाएगा। अच्छा, ये प्रतिक्रमण जो करते हैं ये क्या, जैसे हम लेटे हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं प्रतिक्रमण? चलते फिरते लेटे लेटे अतिक्रमण नहीं हो जाता है? तो प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे दिल में पश्चाताप का भाव है कि ये नेगेटिव विचार किसी के लिए किया हो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेटे लेटे भी कर सकते हो। मगर वो नियम नहीं है कि लेटे लेटे ही करना चाहिए प्रतिक्रमण, हो सके तो आप फ्रेश बैठ के आराम से करो स्थिरता से, और फिर भी सोचने के टाइम याद आ गया तो उसी टाइम भी धो सकते हो लेटे लेटे भी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी के बारे में। ये जो हम सेवा मांग रहे हैं, साथ में बीमारी भी मांग रहे हैं, आप बताया, तो वो जो भाव आया नेगेटिव थिंकिंग का, उससे बंधन होता है और उसका भी उदय होता है क्या? होता ही है ना, अभी नहीं होगा, कभी ना कभी होगा, पता नहीं कब होगा, लेकिन हम नेगेटिव तो डाल रहे हैं हमारे व्यवस्थित में, हमारे एविडेंस से हमारी ओर से नेगेटिव जा रहा है, वो फिजूल नहीं जाता है, वो परिणाम लाके रहेगा, कब लाएगा वो पता नहीं, लेकिन आकर ही रहेगा। पॉजिटिव रहना हमेशा, क्या पॉजिटिव आएगा हमारी ओर से, हम क्यों नेगेटिव डाले, हमारे जित का हमारा हमारे पास है जितना, उतना हम पॉजिटिव करो। वो थिंकिंग में हमने तो कभी किसी का गलत किया ही नहीं, जो हमारा एक थिंकिंग आया उससे जो भाव बना, तो वो कर्म का बंधन कैसे बन सकता है? किसी का गलत, हमने जो एक भाव किया कि हमको बीमारी आएगा, तो उसमें हाँ, किसी का गलत आपने, नहीं किया। आपने तो एविडेंस डाला ना व्यवस्थित में, आपकी ओर से भाव नेगेटिव बीमारी का डाला, अनजाने में डाला, तो वो बंधन बन सकता। एविडेंस का वैल्यू होता है ना, कितनी बार आप सोचते हो ऐसा, तो जिसको जिसको ऐसे बच्चे नहीं रहते या जिसको कुछ ऐसा रहता है, ऐसा ही सोचते रहते, मेरे बुढ़ापे में कौन होगा, मेरा कौन होगा, मेरा क्या करेगा, तो उसका ही वैसा ही आके खड़ा रहता है व्यवस्थित। पॉजिटिव रहो, किसी की जरूरत क्या है, हम ही सबकी सेवा क्यों ना करें। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, ज्ञान की अनोखी चाबी देखे हमारे आत्मज्ञानियों ने हमें पॉजिटिविटी से व्यवहार कितना सुंदर बनाया जा सकता है वो सिखाया। तो चलिए आज ही से हर एक कार्य में, व्यक्ति में, संजोग में पॉजिटिव ही देखे और सभी को अप्रिशिएट करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। अब प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।